हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अमेज़न से घड़ी मंगा रहा था, स्टॉप वॉच और टाइमर हुआ था, तो उसी को अनबॉक्स करते हैं। तो आज डिलीवरी हुआ है तो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या खास है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ब्लेड नहीं है तो हाथ से ही काटना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं लाइब्रेरी में। खोलते हैं, देखते हैं क्या है। अरे यार, इसमें तो बैटरी नहीं है, बैटरी लाना पड़ेगा। फिलहाल आप बाहर से देख लीजिए कैसा है, जिस तरीके से यहाँ पे आर आवर का बटन है, मिनट सेकंड मोड क्लियर स्लैश स्पेस स्टार्ट स्टॉप, पीछे ये स्टैंड है रखने के लिए, इस तरीके से आप रख सकते हैं। थोड़ा सा चेंज भी होता है एंगल, ऐसे रखना ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रखना ऐसे रख सकते हैं। और ये इसमें बैटरी लगती है यहाँ पे, और दो बैटरीज हैं नॉर्मल घड़ी वाली, वो लगानी है। तो अभी तो मैं लाइब्रेरी में हूँ और अभी टाइम जो है वो 12:17 हो रहा है, रात का समय है ये। तो फिर अभी तो बैटरी मिलेगी नहीं, तो फिर सीधा कल बैटरी लगा के बाकी इसके आगे क्या है वो देखते हैं। तो सीधा मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, फिर से मैं आज मैं बैटरी ले आया हूँ, मेरी बैटरी, तो उसको फटाफट लगाते हैं और सेटअप करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो ये रही फर्स्ट बैटरी, ये रही सेकंड बैटरी। अच्छा, इसमें जो बैटरी है वो पतली वाली लगी, अरे क्या हुआ भाई, ओके लगने के बाद एक बार अलार्म हो जाता। तो इसमें जो बैटरी लगती है वो पतली वाली लगती है, नॉट मोटी वाली, ठीक है, पेंसिल बैटरी जो होती है ये इस टाइप से ये लगती है। ओके, मतलब जब भी इसमें बैटरी लगाते हैं तो ये एक बार चालू होने के वक्त अलार्म बजता है। तो ये चालू हो गया, आई होप यू कैन सी। तो फिर फटाफट से इसको सेट करते हैं कुछ। अच्छा, ये वॉल्यूम बटन है, आप इसको एक बार दबाइएगा कम हो जाएगा वॉल्यूम, इसको एक बार दबाइएगा तो ज़्यादा वॉल्यूम, नहीं तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पूरी लाइब्रेरी में मतलब आवाज़ जाएगी अगर आराम बज गया तो, इसलिए वॉल्यूम थोड़ा कम कर देते हैं। फिलहाल अभी कोई नहीं है लाइब्रेरी में तो मैं अभी वॉल्यूम रख सकता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो ओके, ये है मोड, ये टाइमर मोड है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टाइमर, आई होप यू कैन सी। ठीक है, तो ये टाइमर मोड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और इसको स्टार्ट करने के लिए ठीक है, देखिए ये टाइमर मोड है, इसमें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मतलब आवर्स मिनट एंड सेकंड ये पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैं 10 सेकंड का टाइमर लगाता हूँ, 10 पे लगा दिया। अब यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं अलार्म बजता है नहीं बजता है, कितना टाइम लगता है। तो ये रहो, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। 2:01, ओके ये बज रहा है। यहाँ पे देखिए टाइम सब भी दिखा रहा है और कितने देर तक टाइमर चल रहा है वो भी दिखा रहा है, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं फिलहाल, बहुत तेज़ आवाज़ है भाई।
तो ये ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मोड में, अच्छा यहाँ पे टाइमर आ रहा है। अगर आप बिना बिना टाइम सेट किए टाइमर को अगर स्टार्ट करेंगे इस बटन से, स्टार्ट और स्टॉप जो लिखा हुआ है, अगर आप बिना उसके स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, ये स्टॉप वॉच की तरह काम करेगा। जैसे देखिए अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो ये टाइम सेकेंड्स चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए काउंट अप हो रहा है, यहाँ पे काउंट अप लिखा हुआ आ रहा है, ये काउंट हो रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टॉप वॉच की तरह भी, ये मोड जो है स्टॉप वॉच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें अगर आपको टाइम सेट कर दीजिएगा तो ये टाइमर की तरह भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से स्टॉप दबा के फिर से इसको यहाँ पे क्लियर प्लस इसको क्लियर कर देते हैं, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइमर, अब मोड चेंज करते हैं। मोड अब क्या है, यहाँ पे देखिए अलार्म, अलार्म का यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा है आपको, ये अलार्म का बेल आइकन है। अब चाहो तो अलार्म लगा सकते हो, तो ये आर का है, ये मिनट का, ये सेकंड का है। तो मैं अभी टाइम तो अभी इसमें सेट नहीं किया, खैर। तो अलार्म वन, यहाँ पे अलार्म के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे वन लिखा हुआ आ रहा है अलार्म पे ही। तो ये नहीं, इसमें दो अलार्म सेट होते हैं, अलार्म वन और फिर से एक बार और दबाऊंगा तो ये अलार्म टू, यानी दो अलार्म एक साथ इसमें आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बाद में करके दिखाऊंगा, फिलहाल अभी दूसरा मोड देखते हैं। ये क्लॉक, ये क्लॉक मोड है। अब अभी कितना टाइम हो रहा है वो देखने के लिए ये, तो मैं टाइम इसमें सेट करता हूँ पहले। एग्जैक्ट 3 बज रहा है, यानी रात का 3, ओके। तो 1 2 3, इसको जल्दी से दबा के रखिएगा तो ये जल्दी जल्दी भगेगा। एक हो गया, तो मैं इसमें 2 लगा देता हूँ, ठीक है। और जो सेकंड है उसको सेकंड और सेकंड ही रहने देते हैं, छोड़िए, ठीक है। अब ये क्लॉक लग गया, ठीक है। मोड चेंज करते हैं, ये टाइमर, ये अलार्म वन, ये अलार्म टू, ये क्लॉक, यानी 3 बज के रात का 2 मिनट हो रहे हैं। लेकिन अब मेरे को पता नहीं इसमें ये AM और PM कैसे पता चलेगा। मेरे ख्याल से 24 आवर फॉर्मेट है, आई डोंट नो। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये 24 आवर का फॉर्मेट है, यानी यहाँ पे 12 13 14 15 24 तक बजेगा, 23 तक बजेगा, 24 पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा इस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे अगर आप इसको म्यूट करना चाहते हैं और फ्लैश ऑन करना चाहते हैं, मतलब जैसे अगर आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप यहाँ पे फ्लैश, क्लियर फ्लैश के बटन को दबाइएगा तो ये यहाँ पे फ्लैश ऑन हो जाएगा, और ये जो म्यूट का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बंद हो जाएगा। लेट्स सी, देखिए ये यानी हल्का सा ब्लिंक होता है, ये हल्का सा, ठीक है। अब ये क्लॉक म्यूट हो गया, मतलब अलार्म म्यूट हो गया। अब जो भी बजेगा तो ये मतलब आवाज़ नहीं आएगी, बस ये फ्लैश करेगा यानी ब्लिंक करेगा। तो एक बार टाइमर लगा के देखते हैं 5 सेकंड का, देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं सच में। तो ये 5 सेकंड का लगा दिया, लेट्स सी इफ इट ब्लिंक्स और नॉट। ओके लुक, ये ब्लिंक हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे बढ़िया चीज़ है। तो इसको स्टॉप करते हैं, स्टार्ट दबाएंगे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ओके अब मैंने अलार्म लगा दिया, सॉरी क्लॉक टाइम सेट कर दिया। अब अलार्म एक बार सेट करके देखते हैं, अलार्म वन एंड अलार्म टू। तो अभी 3 बज के 4 मिनट और 3 बज के 5 मिनट का लगाते हैं। अब लगा है तो 3 बज के 7 मिनट का मैंने शायद अलार्म लगा दिया है। यहाँ पे देखिए अलार्म वन लिखा हुआ आ रहा है, तो यानी अलार्म वन सेट हो गया। देखते हैं बसता है नहीं, जब तक मैं दूसरा भी लगा दूँ। 3 बज के कितना टाइम हो रहा है, 3 बज के 7, मैं 3 बज के 7 15 3 बज के 7 मिनट और 15 सेकंड का
अलार्म लगाया, यानी अब 15 सेकंड पे बजेगा ये अलार्म। ये अलार्म वन है, अरे लगा, अलार्म वन नहीं लगाया, अब लग गया यहाँ पे अलार्म वन का, अभी गया तो अलार्म भी बज गया। तो ठीक है, बढ़िया है यार, ऐसे ही आप स्टॉप करके आप अलार्म टू भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अलार्म वन आ रहा है, अब यहाँ पे अलार्म टू भी आप लगा सकते हैं, मेरा अलार्म टू सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है तो मतलब वैसे तो बढ़िया है, बस एक चीज़ है कि ये मेड इन चाइना है और बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इसका डब्बा है, बस यही है, मेड इन चाइना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस मेड इन इंडिया होता और सेम प्राइस होता तो फिर मज़ा याद आता है। इसके अंदर हमें ये मिलता है, इसके अंदर हमें ये पर्ची मिलता है, मतलब इसमें देख सकते हैं आप मोड्स वगैरह कैसे कैसे सेटिंग करना है वगैरह, ये सब पूरा इंग्लिश में लिखा है, इधर चाइनीज़ में लिखा है। तो बस यही था इस वीडियो में, और इस बढ़िया चीज़ है ये तो वैसे, तो इसको मैं यूज़ करूँ आने वाले मतलब ब्लॉग्स में पढ़ाई के लिए, बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक में यूज़ करूँगा इसे, या कुछ सो नैप लेने के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, आप आने वाले व्लॉग में इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अलार्म को बंद कर देते हैं। कैसे होगा बंद, बंद हो गया। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।